इस्लामाबाद में। हमने तो अपने ऊपर जो है अच्छा उसी तरीके से पाबंदियां लगाई हुई हैं, अच्छा और सुनने में आता है कि लोग फिर बहुत बड़ी तादाद में निकले, लेकिन स्लो ही है मामला। कोई ये नहीं है कि अचानक एग्जुडस घरों से निकल आया हो लोगों का। अच्छा वी आर लाइव नाउ ऑन फेसबुक, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड गुड आफ्टरनून। दिस इज मेडिस ग्लोबल इवेंट सीरीज टॉक, एंड आज हमारा मौजू है पाकिस्तान बजट इन द कोविड-19 वर्ल्ड। आई हैव मेडिस ग्लोबल इज अ लीडिंग डेटा प्रोवाइडर बेस्ड इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा। माई नेम इज रान रमान, आई एम मॉडरेटिंग द टॉक टूडे। आई एम द कंट्री हेड AWT इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन। I have the pleasure to have a very esteemed panel with me. I have Mr. Dr. Waqar Masood, who is the ex-Secretary Finance, Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. And I have Mr. Asif Qureshi with me, who is the Chairman of Optimus Capital. Gentlemen, welcome to this talk. आज हमारा मौजू जो है वो काफी एक्सटेंसिव है और काफी डिटेल्ड है। एक बजट बनाना इन अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक एक नहायत ही मुश्किल काम है। मिस्टर आसिफ कुरैशी हैज बिन एन एकेडमिक स्टूडेंट एंड नाउ एन एंटरप्रेन्योर, जिनकी फाइनेंशियल मार्केट्स डायरेक्टली पाकिस्तान का बजट उनका इम्पैक्ट आता है, एंड डॉक्टर वकार साहब हैज बिन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग बजट्स हिस्टोरिकली, नॉट ओनली इन मेकिंग बजट्स बट डीलिंग विद पीपल हु वी हैव टू नेगोशिएट विद टू क्रिएट बजट्स फॉर पाकिस्तान। सो वेरी ऑनर टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। मौजू बहुत गहरा है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस मौजू पर जितना हम कवर कर सकें हम करने की कोशिश करेंगे। आई टू मेक थिंग्स इजियर आई वुड लाइक टू डिवाइड द टॉक इन थ्री सेगमेंट्स, मेक इट इजियर फॉर अस टू ऑर्गेनाइज इट एंड मेक इट इजियर फॉर आवर व्यूअर्स टू फॉलो इट। तीन सेगमेंट्स, पहला सेगमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। उसके बाद हमारी जो डेट सर्विसिंग के जो नंबर्स हैं और डेट सर्विसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस हुकूमत के लिए, उसके ऊपर हम सजेशंस देंगे लोकल और एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग। और तीसरा फाइनली ऑफ कोर्स हमारा एक्सपेंडिचर, फेडरल एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों वी विल ट्राई टू डू कवर एज मच एज वी कैन इन 1 आवर, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो ओपन टू क्वेश्चन। सवाल हम जरूर अपने ऑडियंस से लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक या ड्यूरिंग द डिस्कशन हम कुछ सवालों के जवाब भी आपसे लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रेवेन्यू कलेक्शन एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जस्ट टू गिव एन आइडिया के अभी हालात क्या हैं, 4 ट्रिलियन लग रहा है अभी जो लॉकडाउन की जो ईजिंग के बाद है कि 4 ट्रिलियन इज द नंबर विच द गवर्नमेंट इज होपिंग के ये फाइनेंशियल ईयर वो क्लोज करें। फेडरल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू अभी फिलहाल 5 ट्रिलियन 5.2 गवर्नमेंट। IMF कह रहा है, अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो करंट जो टारगेट है उसका 34% इंक्रीज शायद IMF करे इन द नेगोशिएशन जो टेक प्लेस करेंगी पोस्ट ईद। तो अगर हम रिवाइज डाउनवर्ड FBR का टारगेट अगर हम लें 3.9, जो FBR ने 4.8 से 3.9 रिवाइज किया है आफ्टर द कंटेंशन ऑफ द IMF, अगर इसके ऊपर मैं 34% लगाऊं तो 5.2 ट्रिलियन बनता है। और अगर हम पिछले वाले टारगेट से लगाएं तो वो 60 ट्रिलियन क्रॉस कर जाता है। सो दीज आर राइट नाउ द मीडिया स्पेकुलेशंस, लेकिन लग यही रहा है कि अभी फिलहाल अगर लॉकडाउन की ईजिंग की वजह से और ईद की कंजम्पशन बढ़ने की वजह से चांस है कि ये 4 ट्रिलियन हो जाए, और चांस ये है कि कोई 5 ट्रिलियन के ऊपर इनको अगले साल के लिए अपना रेवेन्यू टारगेट रखना पड़ेगा। सो इससे फ्रंट लाइन टॉप लाइन नंबर से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन अनप्रेसिडेंटेड हालात में अगर 5.2 ट्रिलियन का टॉप लाइन नंबर इस हुकूमत को मिलता है, हाउ शुड दे बिगिन? बहुत बहुत शुक्रिया निरन। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी, और ये बड़ा जबरदस्त फोरम है। जी, आपकी आवाज आ तो रही है। वो जरा मैं
देखिए, मैं तो मतलब यानी कि सबसे पहले हमदर्दी का इजहार करता हूँ लोगों से जो बजट बना रहे हैं इस वक्त, शायद मुल्क की तारीख के अंदर इतने मुश्किल हालात ना रहे हों जिनका आज हमें सामना है। और मैं एक बात कहता चलूं कि ये तो अभी आगाज है, और मेरी नजर में अभी भी जो है हम लोग गुजर रहे हैं उस दौर से जिसको रिलीफ एंड रेस्क्यू वगैरह का जो मोड होता है। तो अभी मतलब तामीर नौ और यानी नई दुनिया बसाने के मरहले तो और दूर नजर आते हैं। ये लॉकडाउन वगैरह जो है इसमें बड़े खतरात हमने मोल लिए हैं। और इस वक्त तो फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट थी कि इंडिया के अंदर कुछ लोग जो हैं जिन वहाँ ईज अप किया, तो मतलब जो एक साहब हैं 40 फैक्ट्रीज के मालिक, उन्होंने कहा जी मेरे तो घर वाले मुझे घर से नहीं निकलने देते, वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं जाएंगे करने के लिए। फिर उसने कहा अगर मैं चला भी जाऊं तो मैं रॉ मटेरियल नहीं लेकर आ सकता और ना जो है अपने लेबर को ला सकता हूं क्योंकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, रेल भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा। फिर उन्होंने कहा कि जी मतलब ये सारा का सारा मेरा जो काम है वो रेड जोन के अंदर आ रहा है जहां ये लोग हैं, और वो रेड जोन जो है उसमें तो लॉकडाउन उन्होंने खोला भी नहीं है। तो यू सी इट्स अ वेरी डोंट थिंक कि ये ईजिंग अप मीन्स दैट देयर वी आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, किस शक्ल में होगा, ये तमाम बातें इस वक्त जो है गैर यकीनी है, उनकी कोई शक्ल नहीं बता सकता। अब आपने जैसा फरमाया कि पहले हम रेवेन्यू से शुरू कर लेते हैं। रेवेन्यू जो है जो इन वाकयात से सबसे ज्यादा मुतासर सरगर्मियां हैं हुकूमत की, उनमें से रेवेन्यू है। और आपने देखा कि खुद आईएमएफ ने इस बात को जो कल तक जो है 5,238 रुपए से नीचे नहीं उतर रहे थे, 5,238 से, उन्होंने खुद जो है लिख के दे दिया कि 3,908 होंगे। अब मतलब ये देखिए कि रेवेन्यू के हवाले से अगर ये 39 अगर 3,980 जो है 08 आ रहा है, तो सर मतलब इसका मतलब ये कि हम 3 सालों से एक जगह खड़े हैं रेवेन्यू के हवाले से, और हमारी जीडीपी तो बहरहाल नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो ये तो मतलब जो है हम शायद 8.5 से भी नीचे और 8 और आउट के भी थोड़े से नीचे जो है ना होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े गंभीर मसले का सामना। अच्छा, अब आप जैसे फरमा रहे हैं कि ये कोशिश करना, जैसा आपने आपने इशारा किया कि ये 5,100 या 5,200 अरब रुपए पे लेके जाना चाहते हैं, सर इस बदन में कोई जान होगी तो आप मतलब जो है मैं कुछ कुछ दे सकूंगा किसी को। मईशत खुलेगी तो सब कुछ होगा। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ी संजीदा गुफ्तगू आईएमएफ से जो होनी चाहिए वो ये कि भाई यार तुम देखो, तुमने तो खुद कह दिया है कि सारा हमारा जो कोविड से लड़ने का एक्सपेंडिचर है वो एडजस्टर होगा, हम उसको नहीं करेंगे। आपने 1.4 बिलियन डॉलर्स भी हमारी मदद कर दी। आप बताइए कि क्या चीज ऐसी है जिसके तहत मैं जो हूं अब ये जो मोड है मेरा जिसके अंदर मैं कोविड से फाइट कर रहा हूं उसको अबेंडन करके मैं किसी और जगह चला जाऊं? क्या आज के दिन ऐसे दिन है कि मैं ऑस्टेरिटी का बजट लेकर आऊं? मैं किस पे ऊपर टैक्स लगाऊंगा? अच्छा, एक और मैं आपको दिलचस्प बताऊं, टैक्स तो मौजूद है भाई, आपके अपने एस्टिमेट्स के तहत 555 का टैक्स होना चाहिए था, और चले उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लीजिए, वो टैक्स तो लग गया, वो मौजूद है, और वो क्यों कलेक्ट नहीं हो रहा? इसलिए कलेक्ट नहीं हो रहा, चले पिछली दफा कुछ सरगर्मियों के मसाइल थे, अब तो बिल्कुल सरगर्मी है ही नहीं। फ्रेंकली जो संजीदा बात होनी चाहिए आईएमएफ से वो ये कि भाई इस प्रोग्राम को अभी हम एक तरफ को रखते हैं, अभी तो हमें ये लड़ाई लड़ने दी जाए, और इसके तहत तो हमें
हमें किसी तरीके से लोगों की डिमांड क्रिएट करवानी है। लोगों के पास है ही नहीं, कुछ नहीं है। आपने बहुत मतलब जो है कहा कि अच्छा जी ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये जो खुला है इससे माशी सरगर्मी होगी, वो भी थोड़ी बहुत, लेकिन सर मतलब ये नहीं कि माशी सरगर्मी का सरचश्मा जो है ना बिल्कुल ऊपर से चलता है। और ठीक है आपकी आपकी ज़राअत इस वक्त मुतासर नहीं हुई, लेकिन आपकी इंडस्ट्री, आपका डेटा आने वाला है एंड मार्च का, आप देखिएगा कि वो 15% भी डाउन हो सकती है। एंड दैट इट मींस कि आप कितनी ही खींचतानी कर लें सर्विसेज सेक्टर के अंदर। देखिए अमेरिका के अंदर जो सिर्फ पहले क्वार्टर यानी जो जिसमें मार्च शामिल है, और मार्च में भी सारी बंदिश नहीं हुई थी, बिल्कुल आखिर में जाके हुई थी, एनुअलाइज्ड 4.8% का डिक्लाइन है। देर आर सम एस्टिमेट्स, गोल्डमैन सैक्स वगैरह कह रहे हैं कि भाई वो 30% का आउटपुट जो है ना लॉस हो जाएगा। हमारे यहाँ भी जो है ये कहना 1.5 नेगेटिव होगा, ये बेचारे वो वो लोग भी कह रहे हैं जो कंफर्टेबल अभी उसी दुनिया में रह रहा है। आई मीन वी शुड बी रेडी फॉर अ मैसिव मैसिव डिक्लाइन इन जीडीपी। जी। सो डॉक्टर साहब फील्स आशीष साहब डॉक्टर साहब फील्स दैट द 1.5% नंबर जो करंट जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नेगेटिव 1.5% का नंबर अनाउंस किया था जस्ट रिसेंटली। उनने और भी डेट फाइनेंसिंग के हवाले से चीजें अनाउंस की थी, वो हम बाद में हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जस्ट टू एड ऑन टू रेवेन्यू कलेक्शन, ही डिड मेंशन आल्सो के दिस बजट इज गोइंग टू बी अ डिमांड ड्रिवन बजट, कोरोना बजट डिमांड ड्रिवन बजट, व्हिच मींस दैट टू ड्राइव डिमांड वी ऑल नोज व्हाट दैट मींस। फर्स्ट टूल फिस्कल साइड का यही होता है, टू ड्राइव डिमांड इज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट पुट एनी अननेसेसरी टैक्सेशन और इंक्रीज इन टैक्सेशन ऑन कंज्यूमर्स। सो डू यू फील दैट दिस इज गोइंग टू बी अ डिमांड ड्रिवन बजट एंड विल इट कॉन्ट्रडिक्ट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट व्हिच द आईएमएफ माइट हैव सेट? आसिफ साहब योर थॉट्स? जी इमरान, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डॉक्टर वकार मसूद ने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आई थिंक उसके बाद गुंजाइश बड़ी कम बचती है कि मैं कुछ उसमें एडिशन कर सकूं। आई थिंक अनसर्टनिटीज जिस डॉक्टर साहब ने फरमाया, इस वक्त इस लेवल की अनसर्टनिटीज हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमी कब फुल फ्लेज ओपन होगी उसके बारे में, कि किसी चीज को रीजनेबली प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना वो काफी हद तक प्री मेच्योर है। और शायद गवर्नमेंट की जो डिस्कशन है जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शायद प्रोग्राम को मजीद कुछ अर्सा अबेयंस में रखने की बात होनी चाहिए विद आईएमएफ, ताकि हम पूरे तरीके से असेस कर सकें कि हमने जो अभी बेबी स्टेप्स लिए हैं चीजों को ओपन अप करने के लिए, और दुनिया जिस तरीके से ग्रेजुअली कुछ इकोनॉमीज को लॉकडाउन से बाहर निकाल रही है, उसके बाद हालात किस हद तक इम्प्रूव होते हैं और जीडीपी का नंबर किस तरह से हम रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी की जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के अलावा कुछ हद तक फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अलावा लार्जली चीजें जो हैं वो सिवियरली इफेक्ट हुई हुई हैं। जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होगी आपका नॉमिनल जीडीपी किस तरह से प्रोग्रेस करता है, आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ किस तरह से आती है, आपकी इन्फ्लेशन आउटलुक क्या होती है। तो इस वक्त तो 2020 और 2021 दोनों सालों के जो रेवेन्यू जो जो बजट के एस्टिमेट्स हैं, आई थिंक उसके बारे में काफी ज्यादा अनसर्टेंटी है कि वो नंबर क्या निकलेगा। आई थिंक शायद लास्ट 1952 साल था फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू डेटा कि जिसमें पाकिस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ जो थी उसने कॉन्ट्रैक्शन शो की थी। तो शायद ये 2020 अगर ये 1.5% नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट सही है, तो ये शायद 1952 के बाद ये पहला साल होगा कि जिसमें हम रिपोर्टेड बेसिस में कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे। तो ठीक है। जो जो फिगर हम इस साल रिपोर्ट करेंगे या जो नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ होगी उसकी बेसिस पे शायद कोई रीजनेबल एस्टिमेट निकल सकता है कि हम किस किस्म का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। बट अभी उसको शायद विद एनी रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करना शायद बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल से तो जो फोकस और जो जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी 85% पब्लिक डेट टू जीडीपी पे पहुंच गई थी लास्ट ईयर, और आईएमएफ के जो एस्टिमेट्स हैं जो लेटेस्ट रिपोर्ट पे हम इस साल तकरीबन 90% पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म का फिस्कल साइड से रिलीफ प्रोवाइड करना विदाउट कोई एक्सटर्नल ग्रांट्स आ जाए हमारे पास बड़ा मुश्किल काम है। सो गवर्नमेंट तो इन एनी केस बड़े ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन का शिकार है, और इसके लिए किसी भी डबल डिजिट
रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को अचीव करना मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा एक एक डिफिकल्ट चैलेंज होगा, और लेट अलोन जो आप ये नंबर बता रहे हैं कि 3.9 ट्रिलियन का जो IMF का रिवाइज डाउन रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ 2020 इस पे ये लोग 34% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा. अगर हम इकोनॉमी को खोल भी दें आज भी फुल फ्लेज, और यू नो अगर हम लोकल इकोनॉमी खोल भी दें तो ये क्या यू नो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी वो रेट से पिकअप कर सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया की क्या उस लेवल पे आ सकती है. तो आई थिंक ये 5.1-5.2 ट्रिलियन मेरे ख्याल से तो इस वक्त खासे प्री मचोर है टारगेट्स डिटर्मिन करने के लिए कि ये अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. Thanks. So these are just again these are just speculations because we've also been told that the IMF talks are going to happen after Eid. So let's see what those dates are and how the government is going to negotiate with this. Vikas sir, just some final thoughts on revenue collection. Demand-driven budget ke liye kuch aise proposals aa rahe hain ab jaise unprecedented. सिचुएशन हमारे सामने है तो इंडस्ट्री से भी अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल्स आ रहे हैं सच एज यू नो रिड्यूसिंग द सेल्स टैक्स रेट फ्रॉम 17% to 5%. अभी फिलहाल जो प्रपोजल्स जो स्टेक होल्डर्स के हैं कि जीरो रेटिंग फॉर 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होनी चाहिए, ऑन टॉप ऑफ दैट सेल्स टैक्स फॉर लोकल सेल्स उसमें कमी आनी चाहिए, और ऑफकोर्स जो ताजरों का जो मामला है कि CNIC की जो कंडीशन लगाई हुई है फॉर ट्रेडर्स उनको तो आई थिंक उसको विड्रॉ करना चाहिए. इन ऑल फेयरनेस डिमांड जनरेट करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो है वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत को भी चलाना है. ऐसे भी अभी खर्चे जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे, ऐसे खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे और उन सेक्टर्स में खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे जो जिनको पहले शायद इग्नोर या जिनको पहले उतनी सेक्टोरियल जगह नहीं दी गई जैसे पहले दी गई होगी. तो पहले ये बताइएगा कि हुकूमत के सजेशंस के लिए कौन कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए जिससे डिमांड जनरेट हो, और क्या ये जो प्रपोजल्स हमारे सामने आए हैं क्या ये कोई रियलिटी बन सकते हैं? देखिए पहले मैं आपको उसूल बता दूं. उसूल ये है कि ये क्योंकि एक ऐसा मौका है जिसके अंदर माशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, तो ऐसी सूरत में सिवाय हुकूमत के कोई और जरिया नहीं है कि लोगों के अंदर कुछ कुव्वत खरीद पैदा करे और जो बिजनेसेस तबाह होती जा रही हैं उनको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले. तो इन दोनों हवालों से हुकूमत ने बड़े अच्छे काम किए हैं. मतलब यानी कि लिक्विडिटी के जितने जराए थे उनके लोन्स भी रेशेड्यूल हो गए, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स ड्यू थी वो भी आ गई, उसके बाद उनको इस काबिल बनाना कि वो अपने मजदूरों को बेरोजगार ना करें, तो आपने देखा कि पेरोल फाइनेंसिंग स्कीम भी आ गई. फिर जो SME सेक्टर के अंदर जो है वो 3 महीने के जो बिल्स हैं उनके बिजली के उनकी सहूलत दे दी गई है, और काम हो रहे हैं अभी पाइपलाइन में हैं इसी नौयत के. लेकिन सर मैं आपसे बताऊं कि ये वो मौका नहीं है कि आप मतलब अपना जो भी कुछ आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन हासिल किया था और मतलब रिफॉर्म्स की थी उनको भी जो है आप कुर्बान कर दें, जैसे मतलब 5% सेल्स टैक्स कर दें. भाई कुछ बताए तो सही कि ये इसकी मंतक क्या है, और मतलब यानी कि आपकी आपकी आपके निज़ाम में वो कलीदी रीढ़ की हड्डी है आपके निज़ाम की. अच्छा फिर ये कि आप अगर मतलब 17 से 5 पे लेकर आ जाएं और बाकी सब चीजें ऐसी रहें तो ये तो बहुत ही मैसिव किस्म का रेवेन्यू लॉस होगा. तो आज मैं वैसे ही अपने 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 जो मतलब यानी कि मेरे क्रेडिटर्स ही हुए IMF या वर्ल्ड बैंक ADB उनसे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें कि भाई मतलब यानी कि अगर मेरे पास कुछ टैक्स आ भी रहा था वो भी मैंने अपनी जेब से छोड़ दिया. ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए. और मेरा जब मौका मिलता है मैं अपने असहाब से दोस्तों से ये कहता हूँ कि आप हकीकत पसंद रहें, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी. देखे ना उनकी एक जायज बात है कि उनके रिफंड्स मिले और रिफंड्स की बाहर लगा दी है हुकूमत ने, तो कभी 120-125 अरब रुपए के रिफंड जो है हर शोबे में हर टैक्स के अंदर जो है तकरीबन मिलाकर मजमूई तौर पर ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था. अभी अल्लाह का शुक्र
जी आसिफ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ गई है, लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की शायद स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। तो आई थिंक डॉक्टर साहब की मे भी शायद एक इंटरनेट का एक इशू हो। आई विल जस्ट हैव समबडी फ्रॉम द टीम कॉल डॉक्टर साहब एंड फॉलो अप विद हिम। ठीक है, सो आई थिंक डॉक्टर साहब विल जॉइन अस। डॉक्टर साहब डिड से के देयर आर सम, आई आल्सो सेड के कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ रहे हैं जो भी विच डू नॉट मेक सेंस, सच एज द सेल्स टैक्स प्रपोजल एंड यू नो जीरो रेटिंग फॉर सर्टेन थिंग्स। सो दे नीड टू वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। थैंक यू सो मच, आप बहुत जल्दी वापस आ गए हमारे पास। आई जस्ट वांटेड सम फीडबैक ऑन फ्रॉम आसिफ एंड आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। आसिफ साहब, एनी सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट ऑन हाउ दे कैन जनरेट डिमांड यूजिंग फिस्कल पॉलिसी? देखिए, इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, फिस्कल साइड, फिस्कल लीवर में तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि गवर्नमेंट मजीद रिलीफ दे सके इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग टैक्सेस या एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट साइड पे बढ़ा के। जो गवर्नमेंट की करंट फिस्कल पोजीशन बनी हुई है, कंसिडरिंग कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी इमरजेंसी फाइनेंसिंग के बाद, उसमें लार्जली उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया हुआ है कि आपने कमिटमेंट की हुई है कि जो आपका रिफॉर्म प्रोग्राम है अंडर ईएफएफ आप उसमें वापस जाएंगे। तो हमारे पास फिस्कल साइड पे तो गुंजाइश रिलीफ देने की अदर देन जो गवर्नमेंट ऑलरेडी फैसले कर चुकी हुई है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया है, या जिस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि रिफंड्स जो हैं गवर्नमेंट ने वो काफी एक्सेलरेट किए हैं, वो गुंजाइश तो काफी कम नजर आती है। वाहिद स्पेस रिलीफ जो मेरे नजरिए में जो पॉसिबल है और किसी हद तक प्रोवाइड हो चुका हुआ है, वो सेंट्रल बैंक की साइड से आ सकता है मॉनिटरी पॉलिसी के टूल को यूज करते हुए, क्योंकि इस वक्त लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो शायद डिमांड को तो स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है। लेकिन वो बिजनेसेस जो के वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग में हायर कॉस्ट का शिकार हैं और उनकी सेल्स रुकी हुई हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर की के जहां पे इन्वेंट्री लेवल्स काफी ज्यादा हैं, तो उनको शायद रिलीफ इस फॉर्म में मिल सकता है कि उनकी बोरिंग कॉस्ट मजीद रिड्यूस की जा सके, कंसिडरिंग के इन्फ्लेशन आउटलुक जो है वो भी हमारी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है। तो आई थिंक शायद मॉनिटरी पॉलिसी से हमें रिलीफ देने की ज्यादा गुंजाइश है इस वक्त बनिस्बत fiscal policy, especially in terms of reducing taxes radically. बल्कि IMF की ही report में जो उन्होंने suggestion दी है, जिससे मैं ज़ाती तौर पे काफी agree करता हूँ, वो ये है कि petroleum levy जो है उस पे substantial increase किया जाना चाहिए ताकि जो lower international prices हैं उसका benefit government भी retain करे। एक ऐसी commodity जिसको हम import करते हैं उसकी consumption को भी discourage करना एक objective होना चाहिए। तो शायद गवर्नमेंट को इस तरह के कैश 22 सिचुएशन आ जाता है, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन इज कमिंग फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो उसमें तो ऑलरेडी हमको बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ लोकल डिमांड, उसमें ऑलरेडी हमको उसका भी इंपैक्ट हमको रेवेन्यू पे नजर आएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है, जो ड्यूटीज जो लगती है स्पेसिफिक गुड्स पे, उनकी भी उसकी भी डिमांड कम होगी, उसका भी टैक्स का इंपैक्ट गवर्नमेंट पे आएगा। सो इकोनॉमिक स्लोडाउन एज अ होल एंड द डिक्लाइन इन आवर इंपोर्ट बिल इज आल्सो गोइंग टू कॉज इट इज ग्रेट फॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन डॉक्टर साहब इसका रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा। जरा सा आसिफ भाई से मामूली सा इख्तलाफ, देखिए मतलब यानी कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि अब मजीद फिस्कल एफर्ट ना किया जाए डिमांड क्रिएट करने में, और ये बड़ी अच्छी बात है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि एक राउंड और जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के हवाले से ईजिंग का जो है वो लगता है कि मुतवक्के है। लेकिन दूसरी जानिब एक जो कुदरती अमल है, मुझे पता है इंडिया में क्या हुआ है और माजी में भी क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको दो मुख्तलिफ बातें बताऊँगा। यानी कि इस वक्त भी जो हुकूमत
जो जो टैक्स वसूल कर रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, माजी में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी। इस वक्त 50% से ज्यादा का टैक्स है डीजल के मामले में, बिल्कुल ठीक ठीक है जरा, खैर मतलब हद होती है, मतलब यानी लोग जो लेबर करते रहे इतने अरसे तक 120-125 रुपए का उन्होंने जो है पेट्रोल खरीदा या डीजल खरीदा, अब जब दुनिया के अंदर, और आप ये देखिए कि मतलब यानी कि उस वक्त आपके अंदर आप अपना फिर भी टैक्स ले रहे थे, अब ये सारी एन गवर्नमेंट के दौरान जो लेवी था वो डीजल पे 8 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल पे, और अब 30-30 रुपए आ रही है, हैं? और माशाल्लाह असद उमर साहब जो खबर लिया करते थे उस हुकूमत की कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं, और वजीर आजम भी, अब जरा अपने रवैये पे गौर करें ना, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा लेकिन मैं जरा स्ट्रेंथन करना चाह रहा हूँ इस बात को कि ये आपके हक में है कि बेदरेख लोगों को पास ऑन करें ये प्राइस डिक्रीज, और इसको बुनियाद ना बनाएं कि जो आपका ये समझे कि जनाब ये मेरा, ये तो टैक्स एफर्ट है भी नहीं, ये आपको पता है मतलब टैक्स में जाता है लेकिन एफबीआर रेवेन्यू में नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। दूसरे ये है कि इस वक्त जब आप चाह रहे हैं कि मुल्क में डिमांड क्रिएट हो, ठीक है, तो इस वक्त तो असबस और जरूरी है कि जनाब लोग जो हैं वो आएं और इसको खर्च करें। इंडिया ने 2014 में भी नहीं किया था, बांग्लादेश ने 2014 में नहीं किया था, वो लोग शायद आदी हो गए, लेकिन हमारी जरूरत दूसरी है, और मेरी गुजारिश वहां पर जो है कि वो एक बहुत अहम जरिया होगा, वो सारा गेम चेंजर होता अगर दीगर वाकयात ना हो रहे। साहब उनको करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उनका शरह सूद जो है वो बहुत कम था हमारे निस्बत, और अगर ये लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम करेंगे तो इसका एक रिपल इफेक्ट आएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी। जी इन्फ्लेशन पे कॉस्ट पोर्शन शरह सूद फिर ही नीचे जाएगा अगर ये पूरा ये तेल की कीमतें जो है लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो कम करेंगे, तो इसमें एक जरूर सोचना चाहिए। और आसिफ साहब मैं अभी डेट सर्विसिंग की तरफ चलते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेट्स मूव टुवर्ड्स डेट सर्विसिंग। अभी जो फिलहाल जो करंट जो टोटल डेट सर्विसिंग है पाकिस्तान की, दैट इज कमिंग टू अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस टू मीडिया रिपोर्ट्स फर्स्ट 9 months में 1.9 trillion PKR है, और इसको जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग पे हम आएंगे, बट इसका जो टोटल दैट इज इक्वल टू अराउंड 79% ऑफ द फेडरल रिसीट्स जो करंट जो डेट सर्विसिंग है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, एक तो 1 billion लोन्स हैं व्हिच वर ड्यू ऑन पाकिस्तान, दे हैव बीन रीस्केड्यूल्ड एंड दिस इंक्लूड्स कंट्रीज फ्रॉम चाइना, सऊदी अरेबिया एंड द UAE, और इसके ऊपर आई थिंक हुकूमत को मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए बिकॉज दे हैव बीन सक्सेसफुल, पहले टॉक्स हो रही थी अब उन्होंने सक्सेसफुली कह दिया। बट उन्होंने एक और बात इसके साथ की है कि दे आर नॉट प्लानिंग टू टेक ऑन एनी एडिशनल बर्डन बिकॉज दे वॉन्ट टू फॉलो द डेट लिमिटेशन एक्ट। लेकिन तो डेट लिमिटेशन एक्ट पे पहली हमको नजर आता है कि फॉर द लास्ट 3 years विच वुड इंक्लूड डॉक्टर साहब गवर्नमेंट एज वेल के इलेक्शन ईयर में थोड़ा सा ज्यादा चला गया था, बट डेट लिमिटेशन एक्ट सॉरी डॉक्टर साहब लेकिन वो कतराना तो पड़ता है, लेकिन उसके बाद मेरी तो कभी भी गवर्नमेंट नहीं रही, मैं तो सरकारी मुलाजिम रहा हूं, बस इतनी सी तस्वीर कर रहा हूं। वो बिल्कुल सही है, तो डेट लिमिटेशन एक्ट तो इन्होंने ये बात कह दी, सो लेट्स टॉक ये दिस डेट फाइनेंसिंग एंड बिकॉज द डेफिसिट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सो दिस इज अनदर मेजर चैलेंज बिकॉज they've gotten the external help, but how what is the what do you think the strategy should be to facilitate this on the local side? I would clarify. आप आसिफ भाई अगर शुरू करना चाहें, नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप पहले बात कर लें, आप मैं फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दे दूंगा। नहीं आसिफ साहब पहले कर लें फिर डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाते। चले ठीक है, मैं अपने 2 sentences में बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो एक्सटर्नल साइट से हमें डेट रोलओवर्स मिलते हैं उसमें सूद की पेमेंट आपको फिर भी करनी होती है और शायद बाज दफा रेट्स बढ़ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि डेट सर्विसिंग कॉस्ट में इटसेल्फ हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगी। वैसे भी जो टोटल डेट सर्विसिंग है उसमें की जो सूद की अदायगी है उसमें से 10-15% जो होता है वो एक्सटर्नल डेट होता है और बाकी जो पेमेंट्स होती है वो डोमेस्टिक डेट की कॉस्ट की होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन टर्म्स ऑफ बजट डायरेक्टली कोई हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा
जो ये अगर हम 1.5 या 1.8 बिलियन डॉलर्स के डेट रोल ओवर कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमारी एक्सेल अकाउंट की फाइनेंसिंग में जरूर होगा कि हमारी जो डेट रोल ओवर की, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिग्निफिकेंटली श्रिंक हो चुका है. अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट हम बैलेंस करंट अकाउंट में थे. आगे भी जो सूरत हाल लग रही है उसमें ये लग रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में, जो अगली लास्ट फाइनल क्वार्टर है, इसमें हमारे पास करंट अकाउंट का डेफिसिट जो होगा वो उसका अमाउंट खासा कम होगा, क्योंकि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों में कंप्रेशन है. और जिस तरह ट्रेवल वगैरह काफी सारी और चीजें बंद हुई हैं और ऑयल प्राइस इतनी ज्यादा नीचे आ चुकी है, तो शायद हमारे करंट अकाउंट पे दबाव कम होगा. लेकिन हमारी, क्योंकि प्रिंसिपल रीपेमेंट्स बहुत ज्यादा ड्यू हैं, तो इसलिए हमें रिलीफ जो डेट रोल ओवर की फॉर्म में चाहिए था वो हमें टाइमली आ रहा है और वो हमें हेल्प भी करेगा. बट बहुत सारा रिलीफ ऑलरेडी हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से कमिट आईएमएफ से कमिट कर चुके थे कि जो हमारे डेट्स फ्रॉम यूएई, सऊदी और चाइना जो प्रोग्राम पीरियड के दौरान फॉल करेंगे, उन प्रिंसिपल रीपेमेंट्स को तो हम इन एनी केस रोल ओवर करवाएंगे. तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉरन कोई रिलीफ हमें को बहुत बड़ा बजट में स्पेस क्रिएट करेगा. एक्सेल अकाउंट की फाइनेंसिंग में डेफिनेटली इससे इससे हमें कुछ दबाव जो है वो कम हो जाएगा. थैंक यू डॉक्टर साहब जी. देखिए, मैं पहले अर्ज करूँ, जरा सा थोड़ी सी कुछ टेक्निकल क्लैरिफिकेशन हो जाए. G20 ने हमें जो सहूलत दी है वो दो हैं. पहले अरसा ये है कि मई और दिसंबर तक आने वाली जो भी प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं और इंटरेस्ट, दोनों रिशेड्यूल हो गए. ठीक है जी. अच्छा, अब इंटरेस्ट जो है वो क्योंकि बजट से पेमेंट होती है, तो उस हद तक आपको मतलब इस अरसे के लिए सहूलत हो गई, आपके पास कम पैसे जाएंगे. प्रिंसिपल अमाउंट जो है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है, अगर आपका प्रिंसिपल ड्यू नहीं हुआ तो आपने फिर बोरो भी नहीं करना, तो वो दोनों चीजें कट जाती हैं. और वो क्योंकि प्रिंसिपल जो है, बजट नेट ऑफ प्रिंसिपल बात किया जाता है, ये चीज उसमें नहीं आती, क्योंकि आप अगर प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं तो कर्जा ही लेके करते हैं, तो नेट आपकी डेट कोई नहीं बढ़ता इससे. अच्छा, तो ये सहूलत है, बहुत अच्छी सहूलत है, और इसको कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. अब ये एक दिलचस्प बात है कि ये पेरिस क्लब नहीं है, इसमें चीन भी शामिल है, सऊदी अरब यानी मिडल ईस्ट भी शामिल है, तो इसको अंदर आपके सारे जो क्रेडिटर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए, और जो भी आपकी पेमेंट्स आ रही थी वो सब की सब उसके अंदर शामिल हो गई. अच्छा, देखिए, इस वक्त खुदा का शुक्र है कि तेल की वजह से भी, और आपने जो इन्होंने मतलब नई हुकूमत ने जिस तरीके से मईशत चलाई है, इंपोर्ट्स का तो पहले ही आपका कबाड़ा हुआ हुआ था. ठीक है जी. तो वो पहले ही बेचारे के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इस कोरोना आने से पहले ही जो है वो, यानी एंड मार्च तक का वो ओनली 10 बिलियन डॉलर के मुकाबले में 3 बिलियन डॉलर का रह गया था, वर्चुअली मतलब, यानी. अच्छा, तो वो आपके ऊपर कोई इनफैक्ट, और अगर आपके पास, आपने देखा कि ये किसी हद तक जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट हुई इन दिनों में, वो उसकी भी वजह यह है कि लोगों ने देख लिया कि भाई मतलब इनके करंट अकाउंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और हर तरफ से जो है इनको मदद भी आ रही है. ये रीशेड्यूलिंग भी मदद हो गई, 1.4 बिलियन डॉलर भी मदद हो गए, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, एडीबी भी दे रहा है, और छोटे मोटे चीजें आ रहे हैं, तो आपके रिजर्व्स भी माशाल्लाह बढ़ने लगे हैं, बावजूद है कि हॉट मनी जो है वो निकल गई सिस्टम से. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा जो है हमारा हमारा सिनेरियो है. बात हमारे लिए मुश्किल एक्सटर्नल है नहीं इस वक्त, एंड आई नो, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यू कैन टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, टेलिंग आईएमएफ क्या मतलब हमें इससे निबटने दे दो, फिर बैठ के बात करेंगे. आज हम किस बात की प्रोजेक्शन करें? आप कह रहे हैं 1.5%, जिसे कहते हैं जीडीपी नेगेटिव होगी, मैं तो कह रहा हूँ 10% नेगेटिव होगी. अब अगर 10% नेगेटिव आ रही है, तो आप बैठकर मेरे साथ कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते.
ठीक है ना, कहां से मैं रेवेन्यू लेकर आऊंगा? और आप इसमें मानेंगे नहीं कि अगले साल भी 3906 का रेवेन्यू रहे। तो कतई नजर इसके हमारे पास जो मसला है, और देखिए वो है सिर्फ और सिर्फ डेट के हवाले से, डोमेस्टिक डेट, और वो भी इस वजह से था कि जनाब मतलब ये बिला वजह ही कहूंगा मैं, और कोई मेरे पास लफ्ज नहीं है, 13.25% का हमने इंटरेस्ट इतने अरसे तक जारी रखा है। ठीक है जी, मतलब ये नहीं कि ये तो शीयर ट्रांसफर है, शीयर ट्रांसफर लोगों से लेकर कुछ लोगों की, आपने जैसे कहते हैं झोली के अंदर पैसे डाले। लेकिन डॉक्टर साहब इसके ऊपर आसिफ साहब का भी मैं अपडेट ले रहा हूं। देखें द डेफिसिट्स इफ व्हाटएवर टारगेट्स असाइड द रियलिटी इज, जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको फरमाया और इसको इलस्ट्रेट किया व्यूअर्स के लिए कि व्हाट डू यू कलेक्ट द चांसेस ऑफ कलेक्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर व्हाटएवर द टारगेट यू आर सेटिंग। इसका मतलब है और एक्सपेंडिचर्स भी उन सेक्टर्स में होंगे जिनको शायद हमने पहले इग्नोर किया हो। सो दे विल बी डेफिसिट्स, डेफिसिट्स आते हैं तो हुकूमत की बॉरोइंग बढ़ जाती है, कमर्शियल बैंक से बढ़ती है, इंटरनेशनली बढ़ जाएगी, कमर्शियल बैंक से बढ़ जाएगी, उससे शायद उनको द इंटरेस्ट रेट्स माइट बी रिक्वायर्ड टू बी अ लिटिल बिट लोअर फॉर दीस डेफिसिट्स टू बी फाइनेंस्ड। सो वी आर गोइंग टू सी, वी माइट सी, पहले तो बहुत बॉरोइंग होती थी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से, लेकिन लग यही रहा है कि ये ट्रेंड नॉट ओनली कंटिन्यू करेगा लेकिन शायद इसमें और भी मजीद और मजीद इजाफा और एक्सपोनेंशियल इजाफा हमको नजर आए। आसिफ साहब ठीक है, डेफिसिट्स होंगे, फाइनेंसिंग तो आपको कहीं ना कहीं से करनी है, चाहे वो स्टेट बैंक से करें, अब तो उस पर पाबंदी लग चुकी है, या कमर्शियल बैंक से, और जिस पे इनडायरेक्टली ओमो के जरिए स्टेट बैंक ही पैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, या एक्सटर्नल सोर्सेज से करें, तो जो आपका अमाउंट ऑफ डेफिसिट है उस अमाउंट से आपकी बोरिंग की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट दिया वो बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स का लेवल रिलेटिवली हायर रहा है उसने गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, कि 13.25% की बोरिंग कॉस्ट जो थी उसने जाहिर है डेट सर्विसिंग के बर्डन को बहुत ज्यादा बढ़ाया और एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डेट भी हमारा बढ़ गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ हायर डेट एंड हायर इंटरेस्ट रेट जो है उन दोनों ने मिला के हमारी सूद की पेमेंट्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया ऑन डोमेस्टिक डेट। और जो एक मकसद जो उसका था वो यही था कि शायद हायर रेट जो है वो सेविंग्स को इनकरेज करेगा, शायद वो पैसे जो सिस्टम से बाहर लिक्विडिटी कैश की फॉर्म में मौजूद है वो सिस्टम में वापस आएगी, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसका लेवल पहले 10 महीनों में तकरीबन 950 अरब रुपए से बढ़ गया हुआ है, ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन रुपए में पहुंच गया हुआ है। एक मिड साइज बैंक जो बैंक अलबीब या मीजान बैंक जो है उसके अब टोटल डिपॉजिट जो है वो 1 ट्रिलियन से कम होते हैं, तो आप समझे कि 6 मीजान बैंक या 6 बैंक अलबीब जो है वो तो कैश की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स ने तो उस पैसे को भी सिस्टम में वापस लाने की कोई हेल्प नहीं की। हमारे इश्यूज जो हैं वो ज्यादातर स्ट्रक्चरल नेचर के हैं, जो हमारा लो डेट टू जीडीपी रेशो है उसमें काफी सारा जो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम पे। बीइंग अ टैक्स पेयर मायसेल्फ, मैं अपनी कंपनी के टैक्स फाइलिंग खुद करता हूँ, पहले तो जब आप सैलरीड टैक्स पेयर होते हैं तो आपकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है, आप समझते हैं कि बस आपने आपका एट सोर्स डिडक्ट हो गया और जाके वो जमा हो गया, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि टैक्स के कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और स्पेशली अगर आप सर्विसेज में हैं तो और आप एक से ज्यादा प्रोविंस में ऑपरेट कर रहे हैं तो मल्टीपल एजेंसीज को आपने जवाब देना है, फिर हर एजेंसी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको जवाब देना होता है, तो हमारे लिए वो चैलेंजेस ज्यादा बड़े होते हैं जो कि इनहिबिट कर रहे होते हैं हमारी रेवेन्यू कलेक्शन की एफर्ट को, और वही रीजन है कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका साइज बढ़ता है, हमारी पोटेंशियल रिसोर्स बेस जो कैश इन करेंसी सर्कुलेशन की फॉर्म में चली गई है उसमें इजाफा होता है, जो बैंकिंग सिस्टम में अगर आ जाए तो गवर्नमेंट की भी फाइनेंसिंग में हेल्प कर सकती है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको कि जो गवर्नमेंट की एक और डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट थी कि जिसमें आपने प्राइस बॉन्ड्स को रजिस्टर करवाने की कोशिश की है, तो तकरीबन 250 अरब से आपके प्राइस बॉन्ड जो थे वो इन कैश हो गए। ठीक है, तो प्राइस बॉन्ड तो फिर एक गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट है, जो कैश करेंसी सर्कुलेशन है वो तो किसी की फाइनेंसिंग में यूज नहीं हो रहा। तो ये किस किस्म के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो हैं हम वो पहले उनको आई थिंक प्रॉपरली डायग्नोस करने की जरूरत है कि क्या रीजन है कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज भी ग्रो कर रहा होता है, ये रिसोर्स लीकेजेस बैंकिंग सिस्टम से इस बड़े मैग्नीट्यूड के हो रहे हैं,
और वो रीजन भी और ऐड कर देता है कि जो आपकी बोरिंग कॉस्ट को बढ़ाने में, कि अगर आपके पास बैंकों के पास रिसोर्स बेस ये पोटेंशियली बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 6 ट्रिलियन मौजूद है, जो हमारी करेंसी सर्कुलेशन टू M2 रेशो है वो ऑलमोस्ट 30% में पहुंच गई है. ये जब तक ये हमने टैक्स नहीं लगाया था ट्रांजेक्शन के ऊपर कैश विड्रॉल की, ये 22% के करीब एवरेज हुआ करता है. और टेक्नोलॉजी की वजह से तो इस रेशो को नीचे आना चाहिए था, ये तो उल्टी बढ़ के 30 पे चली गई है. तो पोटेंशियल रिसोर्स लीकेज बैंकिंग सिस्टम से भी हो गया, जो आपकी शायद बोरिंग कॉस्ट को नीचे लाने में हेल्प कर सकता था. आई थिंक हमें स्ट्रक्चरल इश्यूज को समझने की, एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है, और फिर ही हम शायद किसी सस्टेनेबल सॉल्यूशन में पहुंच सकते हैं. डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब करेंसी सर्कुलेशन क्यों बढ़ रही है फिर से? ऑलरेडी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर ने और हुकूमत ने बहुत कोशिश की थी कि ये जो पैसा है ये डिपॉजिट में आए. और टॉप ऑफ दैट हमको टेक्नोलॉजी में भी काफी चीजें एडवांसमेंट नजर आई है इन द लास्ट 3 to 4 इयर्स इन पाकिस्तान. कंपनी सच एज वन लिंक, ऑटोमेटेड डेटाबेसेस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री इज देयर नाउ. वी हैव सीन टेक्नोलॉजी रीच द फार, 4G ने बहुत इसमें रोल प्ले किया है. तो बार बार हम यही फिनोमेना देखते हैं, जैसे आदिल साहब ने क्लियरली मेंशन किया कि हमारी CIC जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है. कुछ फेजेस आते हैं जहाँ पे डिपॉजिट्स में वो उसकी डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हमको नजर आता है, लेकिन फिर से वही फिनोमेना. अब एक और सवाल भी आया हुआ है इसके ऊपर, अली शबान अलाई ने पूछा है, व्हाट इज योर व्यू ऑन द डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड फ्री फ्रॉम एनी कंडीशंस एक्सेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट मनी. और टॉप ऑफ दैट ये भी है, कुछ सेक्टर्स में अगर आप देखें वर्टिकल्स बनाए गए हैं जहाँ विच आर नो क्वेश्चन आस्क, रिसेंटली आपको नजर आए हैं. कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम और म्यूचुअल फंड और ये जो इंडस्ट्री है वो अभी तक फैटका फॉर्म्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर्म्स भर रही है. सो द बैंक्स आर डूइंग बायोमेट्रिक्स, फैटका फॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुछ वर्टिकल्स ऐसे हैं अभी फिलहाल जो विच आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड. तो ऐसे तो CIC बढ़ती जाएगी. मल्टीपल चीजें मैंने पूछ ली हैं, क्या व्यू है आपका और इसकी क्या वजह है कि बार बार हमें ये फिनोमेना देखना पड़ा? अच्छा, ये दो तीन बातें एक साथ जमा हो गई, पहले ये कर लें, और पिछला भी आपका सवाल था रह गया. देखिए, मैं मेरी सोची समझी राय है कि जिसने ये 50,000 और CNIC की रकम का की शर्त वगैरह रखी है वो बड़ी ज्यादती है, और इसका बिल्कुल मतलब बगैर किसी तरद्दुद के लोगों को चाहिए कि इसको वापस कर दें ताकि ये हमारी मईशत फले फूले. इसको आप समझ रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह से लिंकेज है इस चीज़ का, मतलब वो लोग आनकर तो यकीनन आपके ऊपर ये थोपेंगे. इसका कोई ताल्लुक नहीं था उससे, वहां से नहीं आई ये लिखी हुई कंडीशन. आप मतलब जो है और बीसियों तरीके से लोगों को जो है लेके आने के लिए काम करें. ये काम अब मैंने 10 साल में कम से कम 3-4 मरतबा इसे होते और रिवर्स होते हुए देखा है. ये किसी 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 उसकी नहीं. अच्छा, अब आपने जो ये देखें मतलब ये जो अभी आपने बताया कि क्या करेंसी टू GDP रेशो बढ़ा है या करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसके ऊपर आसिफ साहब ने इसको मेंशन किया है, वो डिपॉजिट्स के साथ ये लिंक्ड है M2 नंबर्स में आता है. तो उसके करेंसी इन सर्कुलेशन व्हिच मींस द कैश व्हिच इज सर्कुलेटिंग विद इन द इकोनॉमी. आई नो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने जो 30% इंक्रीज बताई है. नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा था 2015 से पहले CIC करेंसी सर्कुलेशन एज परसेंटेज ऑफ M2 ये हुआ करती थी, बड़ी स्टेबल सी थी 22% के अराउंड. अच्छा ठीक है, ये बढ़ के रेशियो मैं आ गया. एक्चुअली आई वांटेड टू मतलब मैं क्योंकि एक और मेजर होता है कि करेंसी एज परसेंटेज ऑफ GDP ना, क्योंकि दैट इज ए मोर आई मीन दैट गेजेस के मईशत की कितनी जरूरत है और उसके हिसाब से कितना है. बहर मुख्तलिफ हैं मेजर्स. नाउ यू सी, ये अगर आप देखें, मैं आपको याद दिलाऊं कि 30 जून को जो लेवल था, क्योंकि 30 जून को डिक्लेरेशन हुए थे सेकंड एमनेस्टी के, और उस दिन लोगों ने एक्सेसिवली जो है ना डिक्लेरेशन किए, ठीक है जी, और उस वक्त बड़ी शार्प डिक्लाइन हुआ करेंसी इन सर्कुलेशन वगैरह के अंदर, और डिपॉजिट्स भी जो हैं वो बढ़े, क्योंकि वो डिपॉजिट्स बढ़े बिकॉज आपने सबने सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डिक्लेयर किया, वो 2-3 दिन के बाद वो चलते चले गए. अच्छा, इस दौरान के अंदर ये जो टैक्स रिजीम आई नई,
दैट मस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड. मैंने कोई स्टडी नहीं देखी है, मैं सिर्फ अपना ख्याल दे सकता हूँ कि इसके बाद करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, पहले तो लोगों ने दे दिया था कि भाई वो वाइट करने के, उसके बाद लोगों ने अगर जो नए पैसे भी उनको आ रहे थे वो जो है उन्होंने बजाय इसके कि डिपॉजिट में डाले, उन्होंने रखा ताकि इस जो 50,000 रुपए और लिखत पढ़त और ये तमाम चीजें इनसे बचे. तो वो जो पहले काम हो भी जाया करता था जिसमें कहीं ना कहीं कोई अपना शनाख्ती कार्ड दे भी दिया करता था, अब जो है वो उसको भी उन्होंने उन्होंने फिर पीछे हट गए लोग, क्योंकि मार्केट में र्यूमर्स फैल जाती हैं कि यार अगर कार्ड दिया तो मारे जाओगे, अगले दिन घर में आ जाएगा एफबीआर वाला. तो ये भी एक वजह हो सकती है जो मैं आपके सामने रखूंगा. देखिए इस वक्त लोगों को आप देखिए कोई ख्याल करे कि कितना, यानी गवर्नमेंट भी लोगों तक पहुंची है लेकिन आपकी चैरिटी कितना पहुंची है लोगों तक. मतलब अगर खुदा ना खास्ता वो लोग ना होते जिन्होंने जाकर लोगों को घरों पर राशन तकसीम किए हैं तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ हो सकते थे. मैंने अभी आपसे कहा था कि अभी तो वो पैसे भी तकसीम नहीं हुए पूरे 12,000 रुपए जो कि नाइदर हेयर नोर देयर. मेरी तो सिफारिश थी कि ये कम से कम 60,000 रुपए होने चाहिए दो किस्तों के अंदर, 30,000-30,000 रुपए देने चाहिए थे हमको. चलिए अब ये किसी और वक्त उठा रखते हैं जी. इसके ऊपर आते हैं डॉक्टर साहब, एलोकेशन पे आ जाते हैं. आपने बात ऑलरेडी उस तरफ आप ले गए हैं, तो इसके ऊपर एलोकेशन पे आ जाते हैं. एक तो हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिसकी एलोकेशन है. एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं. अभी फिलहाल डॉक्टर साहब, आसिफ साहब से पूछ लेता हूँ, जो रूटीन प्रायोरिटी कमेटी मीटिंग्स होती हैं, डॉक्टर साहब इसके ऊपर बेहतर जानते हैं, टू फाइनलाइज द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द बजट, दे शुड बी इन फुल फ्लो राइट नाउ मई के महीने में, अप्रैल के महीने में. बट जो मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं कि जो कमेटी मीटिंग्स हैं उसमें एक तो खदशात हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट द प्रायोरिटीज फॉर द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड द डिविजन्स एंड द एजेंसीज एंड देयर priority and the limitations which are going to be put on their demands for grants and funds, they're going to be very different in a post-COVID, in a COVID budget than they were previously. I would like your views on that. Can we see some changes, ek to funds ki restrictions, or on top of that, kuch aise sectors samne aa sakte hain jinme jinko zyada importance di jaye compared to others. Abhi doctor saab ne already ehsaas program ka hame indication to de di. निरान, मैं आई थिंक आपने कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का पूछा कि ये अप्रोप्रिएशंस किस तरीके से होती हैं. आई थिंक डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे. मैं आपको एक अपना ओवरऑल ब्रॉड व्यू बता देता हूँ. मेरा अपना ख्याल ये है कि हमने पिछले 10 से 12 सालों में पब्लिक सेक्टर का रोल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा है, जो जिसकी रिफ्लेक्शन फिस्कल डेफिसिट में है. डॉक्टर साहब भी गवर्नमेंट में उस वक्त मौजूद थे. जिस वक्त 2002 से 2007 का पीरियड जो था, ये आई थिंक एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम का वो पीरियड था कि जिसमें गवर्नमेंट का डेफिसिट भी रिड्यूस हो रहा था, पब्लिक सेक्टर डेट टू जीडीपी भी नीचे आ रहा था और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी हायर रेट पे ग्रो कर रही थी. तो आपको हायर ग्रोथ जनरेट करनी है और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है. बट आपकी जिस किस्म की पोजिशन बन गई हुई है फिस्कली, जो आपके इंडेबटेडनेस का लेवल है, उसमें गवर्नमेंट के पास रूम ग्रोथ जनरेट करने का मेरे ख्याल से तो काफी कम है. हमारा प्राइवेट सेक्टर पिछले 10-12 सालों से बहुत सारी, अगर आप उसकी बोरिंग देखें, जो प्राइवेट लोन्स टू जीडीपी रेशियो निकाल लें, वो 2007 में शायद पीक किया था 24-25% पे, इस वक्त वो 13-14% की रेंज में आ चुका हुआ है. बहुत सारी बड़े ग्रुप्स की बैलेंस शीट्स आप भी जानते हैं कि जिनकी बैलेंस शीट पे यू नो बिलियंस ऑफ रुपीज के अमाउंट्स पड़े हुए हैं लेकिन वो इन्वेस्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स में या म्यूचुअल फंड्स में हुए हैं. तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेसिटी स्लैक मौजूद है जिसको इस्तेमाल कर किया जा सकता है. आई थिंक जब गवर्नमेंट ये करंट इसने टेक ओवर किया था, असद उमर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इनकरेज करेंगे अपनी डेवलपमेंट यू नो प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए, जो कि शायद ज्यादा अच्छा एफिशिएंट मॉडल है. तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारा डेवलपमेंट फोकस जो बहुत ज्यादा जिसपे हमारी यू नो एक किस्म की ऑब्सेशन हो जाती है, वो शायद हमें उसको रीकैलिब्रेट करने की जरूरत है. इसमें प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में कैपेसिटी ज्यादा मौजूद है,
हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं कॉर्पोरेट वो खासी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर तरीके पे और ज्यादा अच्छे तरीके से इंसेंटिवाइज करके। तो आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल शायद ज्यादा बेहतर है अगर आपने अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को बढ़ानी है, और गवर्नमेंट की कैपेसिटी इस वक्त मेरे ख्याल से तो स्ट्रेच्ड है टू द लिमिट, और इनके पास कोई ज्यादा रूम फिस्कल साइड पे मेरे ख्याल से ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का अदर देन ये जिस तरह जो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हैं उसके अलावा मेरे ख्याल से तो रूम इनके पास शायद नहीं एग्जिस्ट करता। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू पीएसडीपी, वो उसके ऊपर कमिटीज और क्या हो रहा है, और कमिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और अंदर बहस क्या हो रही है, आई थिंक इसके ऊपर नहीं पड़ते, जो असल बात है वो रह जाएगी। सो आई टेक द क्वेश्चन बैक, वेदर दिस हाउ दिस कमिटीज आर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग और इनकी जो फंड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कितनी होनी चाहिए। पीएसडीपी पे बात कर लेते हैं क्योंकि आसिफ साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, रिपोर्ट्स हैं कि इट्स गोइंग टू बी 600 बिलियन डेवलपमेंट एनवेलप साइज फॉर 2020-2021। इसमें 101 बिलियन 14.4% लेस है देन द ओरिजिनल बजट ऑफ द फिस्कल ईयर, तो इसमें भी हमको एक डाउनवर्ड रिविजन नजर आ रही है। और एक्चुअल स्पेंडिंग वो कह रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 525 बिलियन बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल व्हिच दे हैव सीन इन द ऑन द रेवेन्यू साइड। सो जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू खुद हमारे पास अभी 1.1 ट्रिलियन की आ रही है। सो एंड अगेन दिस इज ऑल आई ऑफ कोर्स आप बेहतर समझते हैं, दिस ऑल नीड्स टू बी रन थ्रू विद द आईएमएफ वेदर इवन दिस 600 बिलियन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू द आईएमएफ और नॉट। So your thoughts, और ये पिछले साल से भी कम है और ये पिछले पिछले साल से भी कम है अगर आपको आपको याद होगा मुझसे बेहतर। So this is very low, sir, considering the fact कि हमको डिमांड जो है वो अभी जनरेट करना। अच्छा, एक तो जरा सा देखिए ना, हमारी मुश्किल ये है कि हम लोग जो हैं फेडरल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझते हैं, हालांकि जो हमारा नेशनल अकाउंट है वो जब चारों गवर्नमेंट्स को भी बीच में ले लेते हैं हम, तब आता है। और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको मालूम है आजकल बड़ी बाजगश्त है, हम तो उस वक़्त ही रो रहे थे जिस वक़्त ये अनाउंस हुआ था अब से 10 साल पहले। तो अब 18वीं तरमीम के हवाले से भी और एनएफसी के हवाले से भी बड़े मसाइल जो हैं सामने आ रहे हैं, इसी मौके पर आप इसकी भी गुफ्तगू रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैं फिर आपसे अपनी बिल्कुल इब्तदाई बात कहूँगा, वो ये है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू में आप पढ़ेंगे हैं, और अभी आपके पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि आप सोचें, और आपको मालूम भी नहीं कि मैंने करना क्या है क्योंकि वो नई दुनिया अभी सामने ही नहीं आ रही, क्या जरूरतें होंगी। तो इस वक्त जो है मेरी नज़र में हम कोशिश भी कर रहे हैं, आपको मालूम है एक छोटा सा थिंक टैंक वगैरह है और उसके अंदर एक सिफारिश ये है कि जो स्मॉल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है ना उन पे फोकस किया जाए ताकि लोगों रोजगार पैदा हो, लोग मतलब जो हैं वो उनको रोजी के हवाले से इम्कानात पैदा हों। कुछ देखिए, मतलब एक तो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज आ गए हैं सारे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, वो काम शुरू नहीं हो सकते, मैंने आपका उसका भी जिक्र कर दिया, वो अभी नहीं, हमें मैं नहीं देखता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर वो शुरू होने वाले हैं। तो इसकी वजह से भी जो है एक पहलू निकलता है, लेकिन अगर आपकी डेवलपमेंट कम भी हुई तो एहसास शायद आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब जो है लोग मुतमइन भी रहें और डिमांड भी क्रिएट होती रहे। अब देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे सामने जो जो मसाइल हैं उनकी नौयत ऐसी है जिसमें हम ज़्यादा दूर का नहीं सोच सकते। आईएमएफ की नज़र होगी इन तमाम बातों के ऊपर, लेकिन आईएमएफ की नज़र तो ज़्यादातर उन चीज़ों पर होगी जो हम डिस्कस करके चले आए हैं, रेवेन्यू साइड के ऊपर और बॉटम लाइन विच इज़ द फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट आज एक मशवरे के अंदर शाहिद अपने शाजी सलमान शाह साहब कह रहे थे वो 15% हो जाएगा डेफिसिट, आप परवाह ना करें, ऐसा लेके चलें। सो आई मीन देर आर वॉइसेस ऑफ दैट लेवल आल्सो, आई डोंट थिंक इट विल गो दैट फार। लेकिन हमें मतलब भाई, मेरा मतलब ये है कि आईएमएफ से यही कह रहा है
कि सर मतलब आप बता दीजिए, मतलब अगर कोई कोई आपके पास क्रिस्टल बॉल है जो बता रही है कि इस तरीके से दुनिया जो है वो अपने आप को बेनकाब करेगी, और बस उसके मुताबिक फिर हम कर लेते हैं बातचीत ना, आप देंगे लेकिन आप हमसे ही कहलवाना चाहेंगे कि हम कहें जो आपके दिल के अंदर है, तो वो तो मतलब बात बनेगी। डॉक्टर साहब इसके ऊपर कर लेते हैं। अभी जो रिसेंटली जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो इमरजेंसी रिलीफ पैकेज हमने जो 1.4 बिलियन का सिक्योर किया है, उसके बाद ही हमको ड्रामेटिक इंटरेस्ट रेट कट्स नजर आए हैं। और जो ईएफएफ की जो बातें चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पॉसिबल डिले, बट द फैक्ट इज दैट ईएफएफ इज ऑल्सो सीम्स टू बी प्रीटी मच ऑन ट्रैक। सो आप बिफोर गोइंग टू बैक टू आसिफ साहब, you have dealt with the environment and you know better, you're in a better position to judge us. ये जो recent जो measures एक तो state bank ने लिए हैं, on top of that जो government ने जो construction sector और जो package announce किया है, इसे आपको लग रहा है कि the IMF is also not जो हमारी जो demands हैं जो हम सामने डालेंगे to provide more relief, do you think that they will be open to it this time around? क्योंकि indications तो हमें मिली हैं जो हमने जो recent जो package हमने जब आप उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, देखिए 1.4 जो दिया उन्होंने, मतलब वो तो उन लोगों को भी दे रहे हैं जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। यानी हमने अगर अपने इस अजम का इजहार किया है कि जनाब हम अपना रिफॉर्म प्रोग्राम रखेंगे, तो इस पर हम सिद्ध के दिल से कायम रहेंगे। हम मतलब यानी ये तो नहीं कर रहे कि जनाब जाकर नए टॉयज खरीद रहे हैं या मतलब और झिलमिल करते हुए मंसूबे जो हैं उनका उनको उनको कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, जरा बैटरी देना, आई एम सॉरी। जी बिल्कुल सही है ओके ये। दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल एंड सो आई थिंक निरंग मतलब यानी कि बिल्कुल वो सुनेंगे, सुनना चाहिए उनको, माकूल बात होगी तो देखा जाएगा। और फिर ये कि आप कह रहे हैं कि सर आपके 445 मिलियन डॉलर्स में नहीं मांग रहा, मैं नहीं तकाजा कर रहा, मैं ये कुछ थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं टॉक। कुछ करूं भी नहीं और आप इसे जो है कह दीजिए कि मैं पास हो गया हूं, मैं नहीं मांग रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब आप इसको जो है तापुल के अंदर डाल दीजिए कुछ अरसे के लिए, जब हम इस काबिल हों कि इस बात को दोबारा जारी कर सकें, आ जाएंगे बैठ जाएंगे। सही। सो आई थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ अप्रोच वी शुड टेक फॉर द टॉक्स पोस्ट ईद। आसिफ साहब, एनी सजेशंस फॉर एट द प्रोविंशियल लेवल और द फेडरल लेवल, कोई आपके पास कोई ऐसी सजेशन है व्हिच कम्स टू माइंड, नॉट नॉट ऑन द मॉनेटरी साइड बट प्राइमरली ऑन मे बी इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इशू व्हिच वी आर हैविंग, और द फैक्ट कोई ऐसी चीज जो आपको नजर आ रही है व्हिच कोई गैप ऐसा है व्हिच यू फील व्हिच कैन बी फिल्ड थ्रू दिस बजट। देखिए, एक रिपोर्ट आईएमएफ की 2017 में सिलेक्टेड इश्यूज पे आई थी, उसमें इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने जिस पॉइंट का जिक्र किया, सेवंथ एनएफसी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को बड़े डिटेल में डिस्कस किया, और वो इत्तेफाक की बात है, वो टाइमिंग कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के इस किस्म के बन गए कि उस रिपोर्ट को डिस्कस नहीं किया गया। मेरा मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में पढ़ी होगी। उन्होंने पाकिस्तान के जो फिस्कल फ्रेमवर्क है उसके जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है कि जब आपने दो एरियाज के बारे में, चले अगर आपने रिसोर्स डिवॉल्व करनी थी तो प्रोविंसेस कर दी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, साथ एक्सपेंडिचर भी जाना चाहिए था। अब दो इश्यूज जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, एक डेट जो आपका पब्लिक डेट है एंड सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों एक्सपेंडिचर्स जो है वो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट की बुक्स में पार्क हो जाते हैं। तो अब रिसोर्स मिक्स जब आपके पास एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन जिसको मैं कहता हूँ आपके फ्रेमवर्क में क्रिएट हो गई है, तो आपके लिए चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। तो अगर किसी तरीके से एटलीस्ट ये एक्सपेंडिचर शेयरिंग बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, या कोई और फॉर्म में जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई अगर अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सेवंथ एनएफसी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, तो आप एनएफसी के लेवल पे तो कोई चीज रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जाके अमेंड नहीं करते, तो वो तो आई थिंक मेरा ख्याल है मुश्किल बात होगी। तो वे अराउंड ढूंढने पड़ेंगे जिसमें विद इन द करंट फ्रेमवर्क, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सपेंडिचर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो जाए, ताकि ये जो करंट स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसमें प्रोविंसेस
से बड़ा हाई सरप्लस एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो जनरेट करेंगे ताकि ओवरऑल कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो है वो विद इन टारगेट रह सके, तो ये सस्टेनेबल शायद नहीं है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि एक क्विक पॉइंट कि यू नो ईज ऑफ डूइंग, इसमें तो जो हमारा करंट जो टैक्सेशन एंड पॉलिसी का फ्रेमवर्क बना हुआ है ये खासा ज्यादा इसको ओवरहॉल की जरूरत है। आई थिंक ये अगर इस पे डिस्कशन स्टार्ट की जाएगी तो शायद बहुत लंबी तवील बहस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल और कुछ नहीं, हम एक पुराना पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था पेट्रोलियम लेवी का, पेट्रोलियम पाकिस्तान में रीजन से सस्ती होगी लेकिन डीजल और पेट्रोल जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में शायद उसका रोल बहुत कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है, अगर इफ नॉट द हाईएस्ट। और जिस तरीके से इसके बावजूद हम पे सर्कुलर डेट का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और आईएमएफ का प्रेशर है कि हमने बिजली के रेट्स को और बढ़ाना है, तो हमें शायद उन चीजों को एनर्जी की साइड पे एड्रेस करने की जरूरत है जिनका फिस्कल बर्डन भी बहुत ज्यादा है और जो इटसेल्फ बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुके हैं टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। Thank you. So, Dr. Saab, I'm just going to touch on the NFC arrangement. पहले तो इसको I'm getting political. Dr. Saab, आपकी हाँ, आप sorry आप mute पे थे. तो ये बताइए कि हमारे viewers के लिए जो federal divisible pool है, इसकी जो distribution है, इसकी distribution पे अभी फिलहाल I think इन हालात में जहाँ पे एक parliament session call करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसकी डिबेट छेड़ तो गई है मीडिया में, बट आई डोंट थिंक इसकी डिबेट फर्दर होगी। जो प्रोविंशियल सरप्लसेस की जो डिपेंडेंसी है फेडरेशन की ऑन द प्रोविंशियल सरप्लसेस, क्या ये डिपेंडेंसी एक तो नंबर वन जायज है और क्या इसमें कोई तब्दीली आपको इस कोविड वर्ल्ड में नजर आ रही है पोस्ट बजट फॉर विद रिस्पेक्ट टू जो करंटली जो प्रोविंसेस जो जॉइंटली बजट सरप्लस दिखाते हैं और इसमें हमको एक इजाफा भी नजर आया फ्रॉम 292 टू 344 बिलियन, क्या ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू नजर आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नरेन, इसके लिए तो आपको एक एक्सक्लूसिव सेशन रखना पड़ेगा जिसके अंदर बातें जो है की जा सके, लेकिन मैं दो एक बातें आपसे कर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप देखिए, आप अगर अगर जब फंड के प्रोग्राम में जाते हैं तो उसका जो बेसिक मतलब यानी कि उसकी मरकजियत जो है ना, वो डिमांड कंट्रोल करना, और डिमांड कंट्रोल करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट। करेक्ट। अब अगर फिस्कल डेफिसिट को आपने कंट्रोल करना है तो दो ही तरीके हैं, या आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं या अपने अखराजात को कम करें। अखराजात कम हो नहीं सकते, लिहाजा आमदनी बढ़ाएं। अच्छा, अब आप सितम जरीफी देखें कि ठीक है जनाब, मैं कहता हूं कि मैं 100 रुपए का मजीद टैक्स जो है लेकर आ जाऊंगा, तो वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब मैं 100 रुपए का टैक्स लेकर आता हूं और उसमें से 57.5 रुपए जो है मैं सूबों को दे देता हूँ, सूबे जो है उसको हड़प कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं 100 रुपए का टैक्स लगाऊं तो जो मेरी कुदरत में है उसको ना खर्च करना वो सिर्फ 42.5 रुपए। अब आप बताइए कहां से किस दुनिया के पर्दे पे ये काम हो सकता है फिस्कल एडजस्टमेंट का, ठीक है जी। सो ये अब मेरी तामीर में मुजमिर है एक सूरत खराबी की, तो अब वो वाला काम इसमें हुआ हुआ है, इसको बैठकर यानी कि सच्चे दिल के साथ। और ये देखे नहीं, मतलब यानी कि अगर आप पैरोकियल हो तो किस कोई 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 मसला हल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कोई कौमी नुक्ता नजर पैदा किया तो ये हल हो सकते हैं। ये सिंपली सस्टेनेबल नहीं, ठीक है ना। मतलब खर्च कर गालियां किसी को खानी पड़ रही है टैक्स लगाने के लिए, और टैक्स की गुलछड़े कोई और उड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। मैं आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट एक नंबर देता हूं जाते हुए, मतलब जो है जब 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया विच इज वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, तो उसमें ये बिल्कुल इसी तरीके से उसके अभी भी अगर 60-70% जो है ना बिल्कुल वही अंग्रेजी लिखी हुई है हमारे आईन के अंदर, मुख्तलिफ आइनों में लिखती हुई चली आई। तो उसकी बुनियाद पे जो तकसीम थी तो सर सूबों को
10 और 12 फीसद के दरमियान में वसाइल जाते थे। अब आप बताए नहीं, मुझे मैं आपको आखिर में चलते हुए एक और दिलचस्प बात बताता चलूं। वो हम गए एक सेमिनार के अंदर कराची में शौकत अजीज साहब के साथ, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ को बुलाया हुआ था, तो मैं अब नाम नहीं लेता भारत, तो एक पार्टी के साहब ने कहा कि देखें हम आपको समझा रहे हैं कि आप सारे जो टैक्सेस हैं वो सूबों के हवाले कर दें और वफाक हमको जो है बता दिया करे उसकी जरूरत कितनी है, वो वसाइल हम इस्लामाबाद को हर साल कर दिया करेंगे हर साल। आपने भी बस सर लाते गए आपने। ठीक है, ऐसी सजेशंस आती रहती हैं। और अनप्रेसिडेंटेड, डॉक्टर साहब ये भी बता दूं, आसिफ साहब का कमेंट ले लेंगे, अनप्रेसिडेंटेड एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी लोग ऐसे ही ढूंढेंगे, जो बात दिमाग में थी वो हम एक दफा उसको कह दें। एक जाते से पहले एक मैं क्वेश्चन ले रहा था आसिफ साहब के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है इंटरेस्ट रेट 15th में, मोहम्मद मुमताज अहमद साहब का सवाल है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ऑन, आई नो ये बजट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बट दो तीन लोगों ने पूछ लिया, तो आसिफ साहब एनीथिंग फॉर आवर व्यूअर्स ऑन द डिसीजन ऑन द 15th। मैं पहले डॉक्टर साहब अगर इस पे कमेंट कर रहे हैं, मैं फाइनल अपना कमेंट कर देता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब उससे कहीं ज्यादा। देखिए मैं तो मेरी 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 तवक्को है, मेरी दुआ है, क्योंकि मतलब कीमतें उसके बाद गिरी हैं, लिहाजा ये अमल जारी रहना चाहिए। मुझे तो बड़ा मजहका खेज लगता है, यानी हर तरफ जो है कुश्तों के पुश्ते लगे हुए हैं, माशी सरगर्मियां नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है वो वहां खड़ा रहेगा। भाई क्यों खड़ा रहेगा यार, आपने देखा दुनिया के अंदर जिसको मौका मिला है उसने इंटरेस्ट रेट को खत्म ही कर दिया, सिफर कर दिया है। तो मतलब आपको क्या, अब देखिए मैं आपको एक और चलते हुए बात बताऊं, और ये इंक्रीजिंग लिटरेचर ये आ रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ना उसके दिन शायद खत्म हो गए। ये भी आ रही है कि सर सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी खत्म हो गई है, फेडरल रिजर्व अब डायरेक्टली फेडरेशन को रिपोर्ट कर रहा है। ओ भाई मेरा मतलब ये इतनी आसानियां है ये क्यों, मतलब जो है ये आपने ढकोसले बनाए हुए, मैं आपको बताऊंगा कोई अगर सेशन आपको करें तो आपको मालूम है कि ये ढकोसले किस लिए बने हुए और किस तरीके से सरमायादार जो है इन जराए से भी किसी को मालूम भी नहीं होता, खबर भी नहीं होती, वो वसाइल अपने साथ जो है ना बटोर के अपने हिस्से में लेके जा रहा। अब आसिफ साहब ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट वी हैव विटनेस, डॉक्टर साहब कह रहे हैं द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यू मेंशन इट अर्लियर इन द टॉक एज वेल, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, दे हैव डन सर्टेन थिंग्स, देयर इज अ एंटायर लिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम द बेंचमार्क रेट डिक्लाइनिंग टू बाय 4.25% कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के लिए नीचे की है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी इंक्रूज की है, गवर्नमेंट को उन्होंने इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया है कि वो एम्प्लॉय रीफाइनेंसिंग करें, सो दे हैव डन अ गुड जॉब। द क्वेश्चन इज, क्योंकि सवाल बार बार आ रहा है कि what is your expectations, Dr. Saab is very clear that you know that interest rates globally have to go down and it is a fact, ye main mazak nahi kar raha, autonomy is being questioned all across the world because the government now has to borrow at record levels and when they borrow they want the rates to be somewhat, they want their feedback on the rates, so any views? देखिए इसमें निरान मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ, मेरा अपना ख्याल तो यही है कि जो स्टेट बैंक का भी अपना करंट जो रेजीम है, जो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है उसमें भी गुंजाइश बनती है कि हम मजीद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग करें। अब वो क्या 100 बेसिस पॉइंट करते हैं या कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 15th को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होगी इसमें फर्दर ईजिंग एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट की होनी चाहिए, एटलीस्ट मेरा असेसमेंट ये कहती है। उसकी मैं रीजंस आपको बता देता हूँ, एक तो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री जो है वो तो फर्मली डाउनवर्ड है, इसमें जो हमारे वीक ऑन वीक या मंथ ऑन मंथ आउटर्न्स हैं वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्लस जो बेस इफेक्ट है लास्ट ईयर की हायर प्राइसेस का उसकी वजह से भी बेनिफिट है, प्लस एक्सेल अकाउंट जो है उसमें हमारा प्रेशर काफी हद तक रिड्यूस हो गया। IMF ने जो प्रोजेक्शन दी हुई है अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में वो $4.5 billion के करंट अकाउंट डेफिसिट की दी है फॉर द फुल ईयर, जो रिवाइज अभी एप्रिल की रिपोर्ट आई हुई है ये इमरजेंसी फाइनेंसिंग के साथ $2.8 billion हमने 9 months में किया है। बड़ा मुश्किल बात है कि ये मतलब $3.2-3.5 billion से ज्यादा होगा। तो कहने का मकसद है एक्सेल अकाउंट पे हमारे प्रेशर्स कम है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है,
इस वक्त जो करंट एनवायरनमेंट है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कोई चीज शायद स्टिमुलेट नहीं कर सकती, लेकिन वो सिर्फ पेन रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, रिलीफ देने के लिए. तो मैं तो यू नो प्रोपोनेंट हूं कि सिग्निफिकेंट मॉनेटरी ईजिंग फर्दर होनी चाहिए. वो जो वो इन्होंने 425 बेसिस पॉइंट रेट कट किए होंगे, लेकिन हम बड़े हाई पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. आई थिंक वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. और यू नो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं या फूड आइटम्स की वोलेटिलिटी के बेसिस पे शायद हमारे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, स्पेशली करंट एनवायरनमेंट में. ओके, सो आई डोंट थिंक वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस. एंड आई आल्सो थिंक दैट डॉक्टर साहब हैज लेफ्ट द टॉक, ही इज डिस्कनेक्टेड. सो आई एम गोइंग टू थैंक हिम इन एनी केस, जस्ट इन केस दैट ही इज लिसनिंग. Dr. Vakar Masood Saab, thank you very much for joining us at this Metis Global event series. We are going to also circulate this on the Metis Global news of all we've talked about to get it documented, or jo bhi suggestions hamare samne aayi thi, we'll ensure that we do a thorough follow-up on it. Mr. Asif Qureshi, thank you very much for joining us as well. Your comments specifically on the monetary side of things and on how the government can do help generate demand and the ease of doing business, which is the requirement right now. Thank you for sharing your thoughts on that. I think Dr. Saab ne pehle hi keh diya tha before the start of the show that he is with the government right now. He feels for the government. He feels that this is going to be an unprecedented budget. It is highly challenging, and whatever suggestions that he gave, I'm sure that they're taking a note of that. And I'm sure Asif Saab, you feel the same way. It's absolutely they're in a situation which as many suggestions and as much support as they can get, that is a requirement right now. Any Thank last you. Words with respect to that? I totally agree with what Dr. Saab has already said. Absolutely. So Asif Qureshi, thank you very much for joining us. He's the chairman of Optimus Capital. This is Niran Raman signing off from this MG event series. Thanks for watching. And the recording is going to be on Metis Global's Facebook page. So you can do leave your comments there. And we can also answer any questions which you have on the recording. So thanks again. And hopefully we will have one of these again very soon with a different topic. And till then, I'm going to sign off. Thank you. Allah Hafiz.